वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत खुश होंगे। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आप लोग के साथ हाफ कट क्रीज आई मेकअप शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो को लाइक कर देना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ओसिया का मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी। इसे मैं अपने पूरे फेस में डॉट डॉट करके लगाऊंगी ताकि मेरा फेस हाइड्रेटेड लगे। आज का जो आई मेकअप है वो एक हाफ कट क्रीज आई मेकअप है। इसमें मैंने ब्लू कलर का यूज़ करके हाफ कट क्रीज बनाया है। तो सबसे पहले मैं पी लुइस का बेस यूज़ कर रही हूँ और इसे मैं अपने पूरे आईलिड पे फैला दूंगी और फिर मैं इसे पाउडर से सेट भी कर दूंगी। इसके बाद मैं ले रही हूँ बी परफेक्ट का कार्निवल पैलेट और इसमें से मैं पर्पल सेड लूंगी। और अगर इसका पैलेट में नाम पूछो तो इसका पैलेट में नाम है बेस्टेड। अब मैं इस पर्पल सेड को लेकर अपने क्रीज लाइन पे प्लेस कर रही हूँ। अभी मैं इसे ब्लेंड नहीं कर रही हूँ। इसके बाद मैं एक पॉइंटेड ब्रश लूँगी और बी परफेक्ट कार्निवल पैलेट में से मैं सेड लूँगी मूड, और ये एक ब्लू टोन का कलर है। इसे मैं पर्पल के साथ मिक्स करूँगी और ब्लेंड करूँगी पर्पल और ब्लू को मिक्स करके। इसके बाद मुझे एक फ्लफी ब्रश लेकर ब्लू और पर्पल को एक साथ मिक्स करना है। ध्यान रखिए बहुत ऊपर तक नहीं जाना है, हमें अपने ब्रो बोन के नीचे तक ही काम करना है। अब इसके बाद मैं एक और फ्लफी ब्रश लूँगी और उसमें मैं पर्पल कलर का शेड लेके उसे फिर से थोड़ा और डार्क करूँगी। फिर मैं यू कैन बी का पेंटिंग पैलेट लूँगी और इसमें से मैं लाइट ब्लू लेकर कट क्रीज बनाऊँगी। हमें कट क्रीज बहुत ही ध्यान से बनाना होता है। फिर मैं पर्पल सेड लेकर आउटर कॉर्नर पे प्लेस करूँगी। अभी मैं ब्लेंड नहीं कर रही हूँ। उसके बाद फिर से मैं दो सेड को मिक्स करूँगी और जो मैंने क्रीज बनवाया है कट क्रीज उसके ऊपर मैं प्लेस कर दूँगी ताकि वो जो उसका लिक्विड फॉर्म है वो मैट हो जाए। अब फिर से मैं कार्निवल पैलेट से फेरी प्ले सेड लेकर अपने कट क्रीज के ऊपर प्लेस करूंगी जिससे वो साइन इफेक्ट आ रहा है। फिर एक साफ ब्रश लेकर आपको अपने एजेस को स्मूथ करना है ताकि वो बहुत ही प्रिसाइजली दिखे। और ये मैं यूरोप गर्ल की लैसेस लगा रही हूँ। इसके बाद हम भी परफेक्ट कार्निवल पैलेट लेंगे और उसमें से ब्लू कलर लेकर अपने लोअर लाइन पे लगाएंगे। इसके बाद मैं फॉरएवर 52 का पैलेट लेकर इसमें से मैं एक साइन लेकर अपने इनर कॉर्नर पे लगाऊंगी। और आप चाहो तो ब्रो बोन पे भी लगा सकते हो। फिर मैं लुक को कंप्लीट करने के लिए काजल लगा रही हूँ और आईब्रो कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइज़र प्राइमर सारा कुछ लगाया हुआ है। अब हम बेस लगा रहे हैं। तो बेस के लिए मैं क्रायलोन का बेस यूज़ कर रही हूँ और इसे मैं अच्छे से अपने फेस पे लगा के ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दूँगी। कभी भी हमें सूखा ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ नहीं करना है, उसे हल्का सा गीला करके ही यूज़ करना है। सो मैं इसे अच्छे से अपने फेस पे ब्लेंड कर रही हूँ। अपने बेस को सेट करने के लिए मैं सुगर कॉस्मेटिक का ये लूज पाउडर लेकर अपने पूरे बेस को सेट करूंगी। इसके बाद मैं फिसेस कैनेडा का लिप ग्लॉस लेकर अपने पूरे लिप्स पे लगाऊंगी। लिप्स के बाद अब मैं ब्लश कर रही हूँ। ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का ब्लश और इसे मैं अपने पूरे चीक पे लगाऊंगी।
एक अच्छा सा रेड ग्लो के लिए। हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर पैलेट, और आप देख सकते हो ये काफ़ी अच्छा साइन और हाईलाइट कर रहा है मेरे चीक को। आपको अपने फेस पे जहाँ जहाँ हाइलाइटिंग करनी है आप वहाँ वहाँ लगा सकते हो। सो हाइलाइटर के साथ मेरा ये लुक कंप्लीट होता है। सो गाइज, अगर आपको मेरा ये लुक पसंद आया, मेरी वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप चाहो तो शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून, लॉट्स ऑफ लव, बाय।